जिंदाबाद। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, तमाम युवा गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज हो। हमने तो कभी नहीं उनसे बोला कि हमारी बहू में फेवर करो मत करो, अगर उन्होंने किया भी है तो दूसरी लड़की के लिए नुकसान ही किया। शुभम भैया, उन्हें छापों के बारे में बोला है कि अगर मैं जिनका दोषी मिलूं जांच के दौरान जांच के बाद रिजल्ट आएगा। जांच तो कराए भाई, जांच ही कराए ना। ये हजारों की छापों के बारे में बोला है कि इस साइड वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने यह समझ कि हरियाणा की छाप मुझे दूसरी मार के मेरी हत्या कर देगी। लखीमपुर खीरी का मंत्री कह रहा था जब किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी उसके बेटे ने, और वो साबित हो चुका कि वो अपराधी है। क्या उसने दिया है इस्तीफा? नहीं दिया ना। तो एक कहावत है कि गधे की लात और इन सांसदों की बात अब कोई विश्वास नहीं करता। तो ब्रजभूषण जो है मतलब इतना बेधड़क होकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसानों के बीच भी चले जाएंगे, हम चले जाए, अगर कुछ भी किया है तो फांसी दे दो। देखिए ये शब्द बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि लोग उनके जो अपने लोग हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और एक मैसेज दी जा रही है कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन सरकार का कोई आदमी ना पक्ष में ना विपक्ष में कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। आप पत्रकार हो, आज तक का एक अपराधी बता दो जिसने अपराध किया हो और कहा हो कि मैं अपराधी हूँ। कहा है, जब तक फांसी के फंदे पर झूलता है अपराधी तब तक भी कहता है कि मैं अपराधी नहीं। ये जो उनसे वो प्रॉब्लम है जो लग रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है उसके विरोध में ये सब बैठे हैं और महिलाओं के सपोर्ट में हम आए हैं। एफ आई आर दर्ज हो गई है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई भी चाहते हैं। एफ आई आर दर्ज हुई है ना, तो एफ आई आर ऐसे तो दर्ज नहीं हुई होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ जो लोग प्रोटेस्ट में आते हैं वो 500 रुपए पे आते हैं, बिरयानी मिलती है इस वजह से आते हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, हमें तो ना ही 500 रुपए मिले ना ही बिरयानी मिली। सीधा पहलवानों के समर्थन में आए? सीधे समर्थन में आए। हाँ, जो महिलाएं बैठी हैं इनका सम्मान होना चाहिए और पूरा न्याय मिलना चाहिए। दोनों पक्ष की बातें सुननी चाहिए, दोनों पक्ष की बातें प्रॉपर सुननी चाहिए। जो पक्ष सही है उसके पक्ष में निर्णय आना चाहिए। ठीक है, अभी जांच होगी, एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, उसके बाद गिरफ्तारी तो होगी। मोदी जी भी वैसे नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, फिर दिक्कत क्या है? जो अभी एफआईआर हुई है, जैसे हम नॉर्मल पर्सन हैं, अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई होती तो शायद एक्शन हुआ होता है ना। इन जनरल पब्लिक होती है, अगर किसी के पास एफआईआर होता है तो वो उनको जो है उनके खिलाफ कुछ एक्शन तो लिया ही जाता है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एफआईआर है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये पहलवानों के समर्थन में बाकायदा आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। नौजवान है, युवा है, बूढ़े भी हैं और फिर उसके बाद फिर महिलाएं भी हैं, तमाम फोर्स तैनात हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, ब्रिजभूषण के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, ये भी नारेबाजी की जा रही है। महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण बंद करो, पहलवानों के समर्थन भी यह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जंतर मंतर पर है। ये जंतर मंतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितनी भीड़ है, सारे युवा पहलवान भी हैं, उसके बाद फिर बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, देश का झंडा सबसे ऊपर है। पीछे जाओ।
सेंट्रल मार्ग जो है वो यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, परंतु यहाँ पर चलो भाई।